हेलो एवरीवन, दिस इज़ लीना फ्रॉम इंडियन विकेंडर एंड आप सब सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यू कुड सी फूड बॉक्सेस एंड सो मैनी वॉलंटियर्स ओवर हियर। तो यहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन है काउंसलेट इंडिया के ऑफिस में। एड्रेस है 133A ओनेहंगा मॉल, ओनेहंगा। आप यहाँ पर इफ़ यू नीड फूड और इफ़ यू नीड सम हेल्प टू गेट फूड, सो प्लीज़ कम ओवर एंड आप यहाँ पर आ सकते हैं। आपको गाड़ी में आना होगा, यू डोंट हैव टू गेट आउट ऑफ द कार। आप गाड़ी में रहेंगे, आप गाड़ी इधर पार्क करेंगे, हमारे वन ऑफ द वॉलंटियर्स विल कम टू यू। यू हैव टू ओपन द कार बूट एंड देन दे विल पुट द स्टफ इन योर कार बूट। सो बहुत सेफ प्रोसेस है, बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं। अगर आपको खाने की ज़रूरत है, इफ़ यू नीड फूड, और तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। एंड मीनवाइल आप, हम यहाँ पर 2 बजे तक हैं, मीनवाइल आप यहाँ पर आइए, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हैं। एंड और अभी हम देखते हैं कि जिस सचते हैं इंडियन डायस्पोरा जो है, बेसिकली बहुत सारी इंडियन कम्युनिटी जो है उनको मिलकर बनी है। सो इंडियन डायस्पोरा ने ये इनिशिएटिव लिया था कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द कम्युनिटी। तो यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा के बहुत सारे हमारे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, सो नाउ दे आर एक्चुअली हेयर एंड वन बाय वन हम उनसे बात करेंगे। मीनवाइल यू स्टे ट्यून्ड। ओके एवरीवन, मेरे साथ हैं जीत जी, भारतीय समाज के चेयरपर्सन हैं, और ये हमेशा आप शायद उनको जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग, बहुत जाने माना फेस है हमारी कम्युनिटी में। तो जीत जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने, ही इज़ वन ऑफ द पर्सन इन द कम्युनिटी जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है फूड डिस्ट्रीब्यूशन का। लास्ट ईयर भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन का इनिशिएटिव लिया था इन्होंने, और इस बार भी इंटर डायस्पोरा के मेम्बर हैं, तो इन्होंने फूड डिस्ट्रीब्यूशन का इनिशिएटिव लिया। सो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। इट्स ऑल प्लेजर इज ओवर्स बिकॉज इट्स ए ग्रेट टीम ऑफ वॉलंटियर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हु दे हैव ऑल कम टुगेदर टू डू दिस नोबल जॉब। जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, ये इंडियन डायस्पोरा ऑर्गेनाइजेशन जब बनी तो यहाँ पर ये इनिशिएटिव था भाव ढिलन जी का, जो हमारे ऑनरी काउंसलेट हैं, एंड द हाई कमीशन का, कि एक इंडियन डायस्पोरा, बिकॉज हमारे इंडिया के जो 29 स्टेट्स हैं, यहाँ पर ऑब्वियसली बहुत सारे अलग अलग स्टेट की कम्युनिटीज ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं। तो जब ये इनिशिएटिव लिया, तो इस इनिशिएटिव के साथ ये सब, जैसे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था हमारा, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होता है, तो इससे सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं सब मिलके काम करती हैं। और इस टाइम पे कोविड के टाइम पर भी हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलके, इंडियन डायस्पोरा ने ये इनिशिएटिव लिया है फूड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आपको कैसा लग रहा है कि इसका एक्चुअली आपको फ़ायदा नज़र आता है इस इंडियन डायस्पोरा का? हाँ जी, इंडियन डायस्पोरा का तो फ़ायदा आप देख लीजिए, अगर आप नज़र दौड़ा के देखें इर्द गिर्द कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस के वॉलंटियर्स हमारे साथ हैं। आप देखिए, कहते हैं ना कि अकेला छना भाड़ नहीं फोड़ सकता, दिस इज़ द रीज़न वी हैव ऑल कम टुगेदर। और इकट्ठा होने के साथ यूनिटी के अंदर जो स्ट्रेंथ है ना, वो विजिबल है, आप देख रहे हैं अनगिनत ऑर्गेनाइजेशंस हैं। क्योंकि थैंक्स टू भाव जी एंड थैंक्स टू हमारे जो इंडियन हाई कमिश्नर साहब हैं, उनकी जो एफर्ट्स हैं आज रंग ला रही है, और ऑर्गेनाइजेशन जुड़ती ही चली जा रही हैं। इट्स नॉट दैट कि अभी तक ख़त्म हो गया काम, जो जिसको पता चल रहा है कि ये इनिशिएटिव है, तो दे आर ऑल कमिंग फॉरवर्ड टू जॉइन दिस जो मूवमेंट है इंडियन डायस्पोरा का। ये दैट गिव्स मी ए रीज़न टू बी प्राउड ऑफ,
तो ये चीज़ें हम सब के लिए हो रही हैं। और आने वाले वक्त में मैं ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और भी इकट्ठी जो नई हैं हमारे साथ वो भी इकट्ठी होंगी, और होने के साथ साथ जो ये यूनिटी की जो स्ट्रेंथ है वो विजिबल होती चली जाएगी। और आज की डेट में जब किसी को ज़रूरत है तो हम लोग इसको अंजाम दे पा रहे हैं। ये अकेला पर्सन का काम नहीं है, अकेली ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है, तो ये इसीलिए ये इंडियन डायस्पोरा जो इकट्ठा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि अनगिनत लोग आज यहाँ से फूड पार्सल लेके जा रहे हैं। आई नो थोड़ा सा ट्रैफिक हो गया, ये हो गया, बट लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट वाज रिक्वायर्ड एंड इट इज़ हैपनिंग। 5 वीक्स हो चुके हैं लॉकडाउन को, इट इज़ द लॉन्गेस्ट लॉकडाउन। एक्चुअली लास्ट ईयर का भी लॉकडाउन इतना बड़ा लॉकडाउन नहीं था। इस टाइम पे कम्युनिटी को बिकॉज बहुत सारे स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं जो सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है और किस टाइप का सपोर्ट और आपकी ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन डायस्पोरा मिलकर दे सकता है? जी, मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट अपना रोल नहीं अदा कर रही है, दे आर प्लेइंग देयर रोल, बट अनफॉर्चुनेटली क्या है कि आउट देयर सो मेनी पीपल आर देयर जिनके पास बेचारे को बस खाना नहीं है, रोते हैं हमारे सामने खड़े होके। तो अगर हम की नीड को नहीं एड्रेस कर सकते हैं, सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इंडियन डायस्पोरा कर, देयर सो मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन अगर अलग अलग तरीके से सोलेस पहुँचाने की कोशिश करें, लेकिन इट्स नॉट एनफ, क्योंकि नीड बहुत ज़्यादा है और जो उनको हम कर पा रहे हैं वो बहुत कम है। तो मेरे को यही लगता है कि दैट कोई भी ना कोई ऐसा गवर्नमेंट को ऐसा रास्ता निकालना चाहिए बजाय कि वो हमारे पास आएँ, दे शुड बी गेटिंग इट डन एट देयर लेवल, क्योंकि हम लोग ऐसे इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस के हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट जब वही सब्सिडी देती है बिलियंस में दे रही हैं, तो ये चीज़ें भी गवर्नमेंट को ही देखनी चाहिए कि बिकॉज क्या है कि जो लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं उनको कौन देखेगा? अगर आप लोग जैसे लोग नहीं देखेंगे, इंडियन डायस्पोरा नहीं देखेगा, या जो और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो नहीं देखेंगे, तो उनका हालत क्या होगी? उनकी तो बुरी हालत हो जाएगी ना। जी, अब हमारी कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनके लिए अभी क्या मैसेज, जिनको अभी इस चीज़ की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी इस टाइम? मैं तो यही कहूँगा कि हम वंस ये तो जो आज हमने किया है इट इज़ वन ऑफ इट, बट लेकिन इसके साथ साथ हम दोबारा भी करेंगे। लेकिन अगर आप किसी तरीके से हमारा सहयोग देना चाहते हैं, ये नहीं है कि हम ही सिर्फ करते चले जाने, आप भी किसी तरीके से सहयोग दे सकते हैं किसी भी तरीके से, तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड जॉइन अस, हेल्प अस। आप यहाँ पर मैंने देखा है काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं, दे शुड कम फॉरवर्ड। हम किसी से पैसा नहीं ले रहे हैं, अगर आपके पास दाल है तो दाल दीजिए, चावल है तो चावल दीजिए, अगर आपके पास मिल्क है तो मिल्क दीजिए, किसी भी तरीके से आप सपोर्ट करना चाहते हैं, ये आपके लोग हैं, आपकी कम्युनिटी के हैं। आज आपने जब आप किसी दुनिया में कहीं से भी आके यहाँ बसे हैं, आप जब आए थे बिगने में आपको हेल्प मिली है, तो आज आपका देने का टाइम है, व्हाई नॉट यू कम फॉरवर्ड एंड डोनेट व्हाट एवर यू कैन। और जी जिनको ज़रूरत है फूड की, उनके लिए क्या मैसेज? उनके लिए तो यही है कि भैया देखिए हम लोग जितना हम कर सकेंगे आपके लिए करेंगे, और उसके साथ साथ कोशिश यही होगी कि हम भरपूर आपकी सहायता करें, लेकिन आपने भी आगे आके हमें बताना है कि आपको नीड है। मैं सवेरे से देख रहा हूँ कि अनगिनत लोग कारों में आए हैं और दे हैव टेकन द यू नो गुड्स फ्रॉम अस, बट वही है कि आप हमारे को अपनी नीड बताएँ किसी तरीके से। जब हम फ्लायर हम लोग पोस्ट करते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, और हमारे साथ जुड़ें एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। और आप ये जो और उसके साथ साथ मुझे मालूम है कि अगर आज आपको हेल्प मिलेगी तो कल खड़े होकर आप भी दूसरों की हेल्प करेंगे, तो दिस इज़ रिक्वायर्ड। तो आइए, अगर आपके नीड है तो आपको मालूम है कि कहाँ आपने अप्रोच करनी है, चाहे आप इंडियन हाई कमीशन में करें, चाहे काउंसिल में करें, चाहे हम लोग को करें। अगर मेरा नाम यानी ईमेल तो बहुत ही साधारण है, JEET@extra.co.nz, और फ़ोन नंबर है 02122102020। आइए, आप आएँ हमारे पास आएँ, वट एवर बेस्ट वी कैन डू वी डू, हम कमिटेड हैं आपके लिए, हम करना चाहते हैं, गिव अस ए रीज़न टू बी पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच जी फॉर योर टाइम। सो अभी हमारे साथ विजय जी थे, एंड इनफैक्ट अभी हमारे पास आई थिंक 25-30 वॉलेंटियर्स भी हैं यहाँ पे जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना चाहूँगी व्हाट इज़ हैपनिंग देयर। यहाँ पे बहुत हमारे पास सामान है फूड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो अगर आप अभी तक नहीं आए हैं और आपको ज़रूरत है, सो यू कैन कम एंड देन यू कैन कम एंड कलेक्ट द फूड पार्सल फ्रॉम हियर। सो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑफिस है,
आप इधर आ सकते हैं काउंसलेट ऑफ इंडिया एंड इधर 133A ओनेहंगा मॉल रोड, इधर आकर आप अपना बॉक्स कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से हमारे वॉलंटियर्स जो है हेल्प कर रहे हैं। इधर अगर आप देखेंगे तो कार्स हैं जो कि प्रॉपरली मैनेज हो रही हैं, इधर वन बाय वन कार्स आर कमिंग एंड आर वॉलंटियर्स आर हेल्पिंग देम टू गेट द फूड। वन बाय वन दे आर कमिंग, दे आर ओपनिंग द बोट, दे आर पुटिंग देयर स्टाफ एंड दे आर गोइंग। सो अगर आपको आना है 2 o'clock तक फूड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो रहा है, सो प्लीज़ कम कलेक्ट योर फूड एंड यू कैन लीव। एंड अभी हम और भी वॉलंटियर्स एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन से बात करेंगे। सो एवरीवन, आप मेरे साथ हैं नरेंद्र भाई भाना फ्रॉम ऑकलैंड इंडियन एसोसिएशन। नरेंद्र जी प्लीज कम ओवर। हेलो, हाउ आर यू? Very good, Naren ji. How are you? Yes, very good indeed. Community, Indian community here is doing a great job trying to help those families in need. So fortunately, we have plenty of volunteers to give us a hand, and we have lots of good things for all the families in need, Lina. Naren bhai, what is there in the food box? Variety of things. There's a rice, there's a noodles, oil, dal, atta or fruits, all sorts of things. So there's a good variety of things in the food parcels. Yes. Any message for the community, those who are in actual need? Yes. If you genuinely require food assistance, then we have some parcels here. But looking at the demand, I think there will be possibly another round of food distribution. So just look out for our on social media promotion. Thank you so much, Naren bhai. Thank you. Thanks. Okay, so this is the lockdown look, you see. Yes, this is the lockdown look, so I couldn't recognize Harish Lodhia ji from Sona Sansar, and he is also one of the volunteers over here. Harish ji, welcome to the Indian Weekender Facebook Live. Thank you so much. And please tell our community that come over and whatever they need, just get the support from here. Yes, yes. Thank you so much. I also represent the Fiji government as the honorary consul for Fiji.
a very good initiative. Regardless of race, religion, creed, we are giving away a lot of groceries today. Approximately 500 packs have been prepared. It took us a whole day yesterday to package this, and very good initiative by the Indian High Commission in conjunction with Mr. Bhav Dhillon, our Honorary Consul for India in Auckland. The only thing I can say is the volunteers have done a fantastic job, and God bless all these people. And I hope it goes to the right places, all these groceries which we are giving away to the needy who are facing hard times in this pandemic. Feel free to come along and grab a box of groceries. God bless you. Thank you so much. Thank you so much, Harishi. Thank you. How are you? Thank you.
सभी को नहीं बुलाया, मेरे को तो पूरी जगह नहीं बुलाया। Hopefully see you soon. You got two.